नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल बहुत सारा देश के अंदर जो देश के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने का जो एक तरीका है, वो हमारे यहाँ जो OTT प्लेटफॉर्म को स्वतंत्रता दे दी गई है, उन पर किसी तरीके की कोई लगाम नहीं कसी गई, वो भी एक बड़ा जरिया पैदा होता जा रहा है। ये जो जरिया पैदा हो रहा है, इसके अंदर सभी तरीके के लोग हैं और ज्यादातर लोग सरकारों को, एजेंसियों को निशाना बनाने से नहीं चूकते हैं। ऐसा ही हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स पर आई जो सीरीज है IC 814 के बारे में, वो सबसे बड़ा, आप ये सोचिए, एक नया आयाम इस नेटफ्लिक्स की सीरीज ने रच दिया है। और ये नेटफ्लिक्स की सीरीज कंधार विमान हाईजैक को लेकर है। लेकिन इस सीरीज के अंदर जिस तरीके से सीरीज बनाने वालों ने पूरे मामले को तहस नहस करके रख दिया है, वो सबसे बड़ा एक कारण बन गया है विवाद का। देश के अंदर बहुत विवाद हो गया है और विवाद इस बात पर भी हो गया है कि किस तरीके से ISI, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है, उसे डिफेंड करने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की गई है और सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश की गई है। सरकार में उस टाइम पर ये 1999 का हादसा है, 24 मई को ये कंधार विमान हाईजैक हुआ था और इसमें काठमांडू से विमान को हाईजैक किया गया था। जो IC 814 की जो इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी, उसको हाईजैक किया गया था और इसके बाद में इस विमान को कंधार में ले जाकर, उस वक्त जब वहां पर तालिबानी राज था कंधार के अंदर, वहां ले जाकर एक बार्गेनिंग शुरू की गई और करीब 5 देशों के इस विमान ने चक्कर लगाए और 25 दिसंबर 1999 को विमान दुबई से अफगानिस्तान के कंधार में उतार लिया आतंकवादियों ने। और आतंकवादियों ने, जो आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेंड थे और इनको पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इनको हैंडल कर रही थी, ये देखिए पूरा इसका मामला था। और बाद में 25 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर, जो आतंकवादी है, 35 आतंकवादी और $20 करोड़ की फरौती मांगी गई थी भारत सरकार से। देखिए उस टाइम पर जो हमारे सुरक्षा सलाहकार थे वो ब्रजेश मिश्रा हुआ करते थे और जो विदेश मंत्री थे वो जसवंत सिंह थे। ये सारा मामला बिना उनसे पूछे, बिना किसी सरकार को से बात किए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को घुमा दिया गया है, ये सचमुच अपने आप में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और देखिए, हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम पैदा हो चुका है जिस पर सरकारों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को नजर रखकर इन पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि ये हर चीज में अपना नैरेटिव जो गढ़ने की कोशिश करते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है और देश को कहीं ना कहीं बदनामी के दलदल में झोंक देता है। आप इसमें ये भी समझिए कि ISI को बचाना और पूरे मामले को, जो ओसामा बिन लादेन अब इस दुनिया में नहीं है, उसे अमेरिका ने मार कर उसे समुद्र में फेंक दिया, मछलियों को खिला दिया है, उस ओसामा बिन लादेन पर इस सारे मामले को डाल दिया गया। ये बड़ा गंभीर मामला था। ISI का जो प्रोपेगंडा है, या फिर जो हमारे देश में जो बैठा इकोसिस्टम है, इसको गढ़ने की कोशिश कर रहा है। आइए इस पर कुछ ऐसी चीजों पर चर्चा करते हैं जो आजकल मीडिया के अंदर बहुत चर्चा में है और बड़े 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 जानकार इस पर अपनी राय रख रहे हैं। खास तौर पे जो रॉ प्रमुख उस टाइम के तत्कालीन जो रॉ प्रमुख थे, दुलत साहब, उन्होंने भी इस मामले पे खुल के चैनलों को बोला है और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत, इन्होंने स्वीकार किया है कि कंधार हाईजैक के वक्त निर्णय लेने में कुछ गलतियां हुई थी और कुछ मजबूरियां भी थी। सबसे बड़ी बात यह है, हमेशा पर्दे के पीछे से काम करने वाले अजीत डोवाल भी
अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। और उन्होंने भी एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि हमारे सामने ये वो रॉ चीफ हैं जो उस टाइम पर आप समझिए कि आईबी के अंदर ये ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, और पूरा जो बार्गेनिंग की थी कंधार में जाके वो अजीत डोभाल ने की थी। अजीत डोभाल ने ही पूरी की पूरी आतंकवादियों, तालिबानियों और आईएसआई के लोगों से पूरी बार्गेनिंग की थी। वो भी आज सामने आए और उन्होंने कहा ये बहुत दुखद है और इसमें ऐसा नहीं था जैसा दिखाया गया है। केवल ये नाम का चक्कर नहीं है, ये नाम के अलावा और भी कई चीजें हैं जिसमें के सुरक्षा एजेंसियों के साख से, भारत की साख से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। हम आपको फिर बता देते हैं कि एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो इकोसिस्टम पूरी तरीके से देश की साख को और हमारी एजेंसियों की साख को मिट्टी में मिलाकर या उनको धूमिल करके दूसरी एजेंसियों को सरताज बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये सचमुच बहुत दुखद है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्थिति को संभालने को लेकर जो बहस छिड़ गई है वो सचमुच बेहद खतरनाक है। और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के तत्कालीन प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत ने स्वीकार किया कि तब निर्णय लेने में काफी चीजें थी, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे देश के अंदर जिस देश में कोई लोकतंत्र नहीं था और वहां पर केवल और केवल आतंकवादियों की सरकार थी, यानी कि तालिबान की सरकार थी, और तालिबान की सरकार के रहते वहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर्दे के पीछे से बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही थी, और जो भारतीय मीडिया के अंदर जो भी चल रहा था उस सब से अपडेट करा रही थी उन आतंकवादियों को। इसमें 5 आतंकवादी शामिल थे जो आप समझिए जिनके नामों को छिपाने की कोशिश की गई है। इन हाईजैकर्स में इब्राहिम अतहर, सनी अहमद काजी, साहिद अख्तर सैयद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और सैयद सकीर, ये 5 आतंकवादी इस पूरे मामले के अंदर इस हाईजैक में शामिल थे। और जिनको छोड़ा गया था उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आतंकी मौलाना मसूद अजहर, जिसने देश के अंदर बहुत सारे आतंकी हमले करवाए, इसके अलावा उमर शेख और एक और आतंकी था मुश्ताक जरगर। ये तीनों ही आतंकवादी बहुत खतरनाक थे और इन्हें बाद में छोड़ा गया था। अब हम आपको मूल उस बात पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी, क्योंकि आपको ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से नेटफ्लिक्स के नाम पर या वेब सीरीज के नाम पर देश के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा हो गया है जो हमारे देश की छवि, हमारी एजेंसियों की छवि को धूमिल करता है। देखिए कई कई बड़े पत्रकारों के, जर्नलिस्ट के नाम भी है जो इस पर आपत्ति जताते हैं। दरअसल नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज IC81 द कंधार हाईजैक में सच्चाई छिपाकर झूठ परोसे गए हैं। इससे बड़ी सफाई से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का बचाव किया गया है, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में गलत नैरेटिव गढ़ा गया है। सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर किया गया है? क्या नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज IC814 द कंधार हाईजैक किसी साजिश के तहत बनाई गई है? सवाल यह भी उठता है, वेब सीरीज वर्ष 1999 की घटना को कथित कलात्मक स्वतंत्रता के सिवाय हूबहू पेश करने की कवायद है, लेकिन इसमें विमान हाईजैक की पूरी प्लानिंग करने वाली पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की भूमिका पर चुप्पी साध ली गई है। तो भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को दुष्ट साबित किया गया है। यही वजह है कि मंगलवार को केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय IB और नेटफ्लिक्स के बीच बातचीत हुई तो वेब सीरीज के कंटेंट पर सवाल उठे। मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट मोनिका शेरगिल से कहा कि आखिर वेब सीरीज में विमान हाईजैक के असली मास्टरमाइंड ISI की भूमिका क्यों नहीं दिखाई गई।
देखिए इसमें आईएसआई सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था वहां पर, उन्होंने ही ट्रेनिंग दिलवाई थी, उन्होंने ही काठमांडू में ये पूरा प्लान किया था, पूरा प्लांट की गई थी ये पूरी स्टोरी, हथियार वगैरह सारे मुहैया कराए थे, और काठमांडू से प्लान प्लेन के अंदर कैसे चढ़ना है ये सारा इंतजाम आईएसआई ने ही पर्दे के पीछे से किया था। अब अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। इसके अनुसार जाजू ने शेरगिल से कहा कि वेब सीरीज में असली मीडिया फुटेज का उपयोग करके कुछ पहलुओं को सही ढंग से दर्शाया गया है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र तक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार एक एपिसोड में आतंकवादियों की रिहाई और उसके बाद की गई कहानी जो बताई गई है, जिसमें आईएसआई को अपहरण में उसकी भूमिका से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांगवी ने तो न्यूज वेबसाइट द प्रिंट के लिए लिखे एक लेख में नेटफ्लिक्स की इस वेब सीरीज को आईएसआई का महंगा प्रोपेगेंडा तक बता दिया है। बड़ी बात है, यह है भी ऐसा। इसके बाद उन्होंने सीरीज में रॉ को अत्याचारी साबित किए जाने पर भी नाराजगी का इजहार किया है। सांगवी ने अपने लेख में साफ साफ कहा है कि वेब सीरीज पर हिंदू मुसलमान वाला विवाद हो गया, लेकिन असलियत में मामला तथ्यहीन बातें परोसने का है। उन्होंने कहा कि वेब सीरीज में कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वहीं कई हकीकतों को छिपा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अपहृत विमान के अंदर क्या हुआ इसका तो ठीक चित्रण किया गया है, लेकिन प्लेन के बाहर जमीन पर क्या हुआ इसे दिखाने में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा किया गया। वरिष्ठ पत्रकार वीर सांगवी ने स्पष्ट लिखा, यह एक झूठ है। जिस तरह किसी के बचाव में जानबूझकर तथ्यहीन चीजें दिखाई गई हैं, उससे यह सीरीज आईएसआई की छवि निखारने की कवायद लगती है। वो आगे कहते हैं, यदि आप भारत के हालिया इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना के बारे में झूठ बोलते हैं तो नई पीढ़ी इसी झूठ को सही मान लेगी और सच्चाई कहीं ना कहीं दबकर रह जाएगी। जहां तक बात आतंकवादियों के हिंदू कोड नेम की है तो सीरीज बनाने वालों ने यहां भी चालाकी की है। सांगवी कहते हैं, यह सही है कि अपहरणकर्ताओं ने हिंदू उपनामों का इस्तेमाल किया, लेकिन वेब सीरीज में हमें नहीं बताना कि उसके असली नाम क्या थे। चालाकी देखिए, जब भोला और शंकर पर विवाद हुआ तो नेटफ्लिक्स ने सफाई दे दी कि सरकार ने ही आतंकवादियों के कोड नेम बताए थे। सवाल है कि सरकार ने उनके असली नाम भी तो बताए थे, तो क्यों छिपा लिए गए? भारत सरकार ने बताया था कि अपहरणकर्ताओं में सुनी अहमद काजी, साहिद मिस्त्री, जहर इब्राहिम, साहिद अख्तर सईद और इब्राहिम अतहर थे। वेब सीरीज में ये छिपाता है कि सारे अपहरणकर्ता पाकिस्तानी थे और अपहरण के कुछ दिन बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने सबकी पहचान कर ली थी। इसके बजाय अपहरणकर्ताओं को अफगानी बताया गया, यह भी बहुत बड़ा झूठ परोसने की कोशिश की गई है, और यहां तक कि उन्हें अलकायदा से जोड़ने की कोशिश की गई, जबकि पूरा प्लाट आईएसआई का तैयार किया हुआ था। लेकिन वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक में आईएसआई की जगह ओसामा बिन लादेन को साजिश करता दिखाया गया है। सांगवी लिखते हैं, यह बिल्कुल झूठ है। अपहरण आईएसआई का ऑपरेशन और दर्शकों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान के छद्म युद्ध का हिस्सा था। कहानी में एक भारतीय एजेंट एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट के की निगरानी करता है और पता चलता है कि यह तो एक मोहरा भर है, असली साजिशकर्ता तो अफगानी है। सांगवी कहते हैं कि आज तक ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। कहानी में जिस तरह बताया गया है कि रॉ को तो विमान अपहरण की साजिश की पहले ही जानकारी मिल गई थी और एक रॉ एजेंट ने इसे रोकने की कोशिश भी की, सफेद झूठ है और कुछ भी नहीं। इसके बाद रॉ को जिस तरह साजिश के बारे में जानकारियां जुटाने के क्रम में नेपाली नागरिकों की प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है, इससे वेब सीरीज निर्माताओं का इरादा स्पष्ट हो जाता है। वीर सांगवी कहते हैं, यह सब काल्पनिक है, इसे क्रिएटिव लिबर्टी नहीं कहा जा सकता है। ये सारे झूठ यूं ही नहीं परोसे गए हैं। सांगवी कहते हैं कि ये काल्पनिक बातें सीरीज के संदेश का हिस्सा हैं। वो ये कि
हाँ आतंकवादी बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यानी कि भारतीय सरकार भी बेहतर नहीं है। यह अयोग्य, पूर्व मूर्ख और अत्याचारी है। भारतीय दर्शकों के लिए निर्मित वेब सीरीज में इस प्रकार का नजरिया बिल्कुल अजीब है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है। वेब सीरीज में भारत के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री की भी ऐसी तोहिन की गई है कि एजेंडा साफ नजर आता है। विदेश मंत्री जसवंत सिंह को अपने ही ऑफिस में बड़े साइन बोर्ड के नीचे बैठा दिखाया गया है, मानो वो विदेश मंत्री नहीं पासपोर्ट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हैं। अपहरण की खबर मिलने पर जसवंत सिंह का पात्र इसी ऑफिसर ऑफिस से बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है। सांगवी कहते हैं यह एक और फर्जीवाड़ा है, क्योंकि जसवंत सिंह ने इस साजिश में अंतिम समय तक केवल ये कोशिश की थी कि दुनिया हमारी मदद करे, जो नहीं हुआ। वह आतंकवादियों से कैसे निपटे इसकी रणनीति का प्रमुख हिस्सा नहीं रहे थे। कहानी खत्म होते होते सारा प्रोपेगंडा और भी स्पष्ट हो जाता है। वेब सीरीज के जरिए निर्माताओं की पूरी कवायद इसी बात की है कि कैसे आईएसआई का बचाव किया जाए। इसके लिए झूठ रचकर अफगानियों और अलकायदा को साजिशकर्ता बताना पड़े तो भी ठीक है। सीरीज में दिखाया गया है कि जब अपहरणकर्ता अपने मकसद में सफल रहे तो उन्होंने अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के साथ जश्न मनाया, और चूंकि आईएसआई को इससे कुछ लेना देना ही नहीं था तो वे पार्टी से नदारद थे। इसमें ध्यान रहे कि नेटफ्लिक्स की यह प्रोपेगंडा वेब सीरीज के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा है। यह सीरीज इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली फ्लाइट के अपहरण पर आधारित है। इसे विमान के पायलट कैप्टन देवी शरण के बयानों और घटना पर श्रीन जाय चौधरी की पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर से प्रेरित बताया गया है। भारतीय एयरलाइंस की उड़ानों का अपहरण 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने किया था। इसे पहले अमृतसर में उताया गया और फिर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। विमान में 179 यात्री थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी। एक हफ्ते तक चली बातचीत के बाद भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया, तब जाकर यात्रियों की जान बच पाई थी। भारत सरकार ने एक बयान में कहा था, अपहरण की घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित और समर्थित संगठनों की भारत के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों में संलिप्तता को उजागर किया है। पूछताछ में स्पष्ट किया कि अपहरण को पाकिस्तान की आईएसआई ने हरकत उल मुजाहिदीन की सहायता से मास्टरमाइंड किया था। भारत सरकार के आतंकियों के कोड नेम बताए जाने को तो आधार बनाया गया, बाकी सारे झूठ परोसे गए हैं। बहुत बड़ा मामला ये देखने में आता है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा आज जो उस टाइम के आईबी के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे अजीत डोभाल, उन्होंने आज सामने आकर बड़े खुलकर बोला और उन्होंने सीधा सीधा कहा कि हम ऑपरेशन तो वहां पर भी करना चाहते थे, लेकिन वहां की सरकारों ने हमें मदद नहीं की। हमारे सामने 179 लोगों की जिंदगियां थी, जिन्हें हर संभव तरीके से बचाया जाना जरूरी था, बेहद जरूरी था। आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि अजीत डोभाल उस हाईजैक प्लेन IC-1814 के नीचे, ठीक नीचे खड़े दिखाई दे रहे हैं, और बड़े आतंकवादी जो उस टाइम पर आप समझिए जो तालिबान के आतंकवादी थे, उन्होंने पूरे विमान को किस तरीके से घेर रखा है। एक और बात आपको बता देते हैं, मसूद अजहर और उसके साथी आतंकवादियों की रिहाई पाकिस्तान के अंदर हुई, और पाकिस्तान के अंदर एक लाल वैन के अंदर बैठने के बाद ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ही गुम हो गए। इसके बाद से वहीं पर रह रहे हैं। हालांकि हमारी भारत सरकार की तरफ से बहुत जल्दी इनके साथ न्याय कर दिया जाएगा, ऐसे हमें उम्मीद है, और एक आतंकवादी के साथ न्याय किया भी जा चुका है, यानी कि उसे हजारों हूरों के पास भेज दिया गया है। अब इसमें गिनती नहीं बचेगी, क्योंकि इन्हें तो बहुत ज्यादा हूरों के बीच में भेजा जा रहा है, तो इसलिए भारत की जो एजेंसियां हैं वो सर्वोपरि हैं पूरी दुनिया के अंदर अपने देश की, हमारे देश भारत की सुरक्षा करने के लिए। लेकिन आज
हमारा देश जिस तरीके के एक नैरेटिव से जूझ रहा है, देश के अंदर जिस तरीके से एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और वो इकोसिस्टम देश को किस तरीके से हमारी सरकारों को देश के खिलाफ दिखाकर बताकर और मीडिया और सोशल मीडिया और अखबारों के अंदर उन्हें पब्लिश कराकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये उनकी ये कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो पाई। बहरहाल आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।